आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। रेवेन्यू ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में पुलिस से बेहतर समन्वय कर कृषि अधिकारियों द्वारा लगभग 1000 टन खाद को किसान भाइयों में वितरण किया गया है। जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कल 15 नवंबर को लगभग 900 मेट्रिक टन खाद हरदा रैक पॉइंट से और लगभग 3000 टन खाद देवास रैक पॉइंट से जिले को प्राप्त होगा। इसके अलावा परसों 16 नवंबर को लगभग 1000 मेट्रिक टन खाद देवास रैक पॉइंट पर प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये, जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद भविष्य में उपलब्ध रहेगा। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी जिले में खाद प्राप्त हो रहा है, अधिकतम खाद को समितियों में ही पहुंचाया जाए। जो हमारे खातेदार किसान भाई हैं, वे समितियों से ही खाद प्राप्त करें। इसके अलावा वो किसान भाई जो समितियों में खातेदार नहीं हैं, उनके लिए लगभग प्रत्येक डबल लॉक पर कैश काउंटर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहाँ से बहुत स्मूदली खाद प्राप्त की जा सकती है।